30x45 फिट और 150 गज का ये हमारा प्लॉट है। और जो ये प्लॉट है इसके अंदर आपको हर बेडरूम मास्टर बेडरूम देखने को मिलेगा, जी हाँ। और हाउस के ऊपर आपको अच्छा एक टेरेस गार्डन देखने को मिल जाता है, जो कि हमने एक परगोला के अंदर ही बनाया है। और हाउस का जो टोटल एरिया है वो हमने कवर नहीं किया है, हमने इसके तीनों साइड में ऑफसेट्स दिए हैं ताकि आपको अच्छी वेंटिलेशन मिल सके, जी हाँ। जो इसकी बाकी की डिटेल्स हैं स्क्रीन पर आ रही होंगी, आप आराम से देख लीजिए। अगर आप इसका फ्लोर प्लान डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। अगर दोस्तों हाउस के फ्रंट में देखें तो आपको एक अच्छी बाउंड्री वॉल देखने को मिल जाती है, इसी के साथ अच्छा एक आपको एंट्री का एक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी पार्किंग की बात करें तो आपको 15'9" x 17' और 7.5" की अच्छी खासी एक बड़ी पार्किंग देखने को मिल जाती है। और आप बीच में एक ये जो कॉलम देख रहे हैं आप इसको हटा भी सकते हैं, वो आपकी इच्छा रहेगी। और अगर आप हाउस के फ्रंट में देखें तो आपको एक अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि आपका 4'9" का रहेगा। अच्छी यहाँ पर आप अपनी कुछ बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। और एक साइड में देखें तो यहाँ पर आपको एक 4 फीट का ओपन एरिया देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी पैसेज के लिए रहेगा। और जो हाउस की बैक साइड है यहाँ पर आपको 3 फीट का ओपन स्पेस देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसके बाद हाउस में एंट्री लेते हैं, एंट्री लेते ही आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर आपको हाउस का ड्राइंग एरिया देखने को मिल जाता है। और इसका साइज 12'14'6" का रहेगा, जो कि एक काफी अच्छा साइज है। और दोस्तों जो हमारा स्टेयर का ब्लॉक है ये आपको ट्रिपल हाइट में देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफी शानदार लगेगा आपको जब ये हाउस बन के रेडी होगा। तो इसी के साथ आप इसका व्यू ले सकते हैं। ऊपर आपको एक फैमिली लाउंज एरिया देखने को मिलेगा, की बात हम आगे करेंगे वीडियो में चल के। तो इसके बाद आप देख सकते हैं अच्छी सीलिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आपके हाउस के डाइनिंग एरिया की तरफ है। और इस डाइनिंग एरिया का साइज है 12'8'6" का, जो कि आपका एक इनफ साइज रहेगा आपके डाइनिंग के लिए। इसी के साथ सामने आप किचन भी देख सकते हैं, अच्छे साइज की शानदार किचन देखने को मिल जाती है। और इसका साइज 12'1.5" x 11' का रहेगा। और आप इसका ओवरऑल व्यू ले सकते हैं, अच्छा आपको इसमें वेंटिलेशन देखने को मिल जाएगा। और जो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है वो आपको हाउस में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ हम किचन के साथ देख सकते हैं आपको एक वॉशिंग एरिया भी देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं। और इस वॉशिंग एरिया का साइज रहेगा 5'6" x 5'7" का, और जो कि एक आपको एक अच्छा साइज देखने को मिल जाता है। और इसी के बाद इसका एक गेट आपको हाउस के बाहर जाने को मिलेगा, ताकि आपके घर में जब कोई मेड वगैरह आए तो वो आपके घर के अंदर एंट्री ना रहे। तो दोस्तों जो हाउस का कॉमन टॉयलेट है वो आपको आउटसाइड में देखने को मिलेगा। हम आपको एक भाषा में कहें तो ये टॉयलेट आपके गेस्ट के लिए रहेगा, और इसका साइज 5'6" x 6' का है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे हाउस के फर्स्ट बेडरूम यानी हमारे हाउस के मास्टर बेडरूम की बात कर लेते हैं, जो कि आपको ग्राउंड फ्लोर पर देखने को मिल जाता है। आप इसकी सीलिंग्स देख सकते हैं, आप इसका बैक वॉल का भी, आप इसका ओवरऑल व्यू देख लीजिए। ये एक आपको काफ़ी अच्छा बेडरूम देखने को मिल जाता है, इसका साइज 12x12' का रहेगा। और आपको बैक साइड में एक स्लाइडिंग डोर भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आपकी वेंटिलेशन भी होती रहेगी। और सामने एक टीवी यूनिट भी आपको देखने को मिल जाता है। और इसकी अच्छी बात ये है कि आपको इस रूम के साथ
अटैच आपको एक ड्रेसिंग एरिया भी देखने को मिल जाता है। इसका साइज 6 फीट 3 इंच बाय 5 फीट और 7.5 इंच का रहेगा और इसी के अंदर आपकी वार्डरोब वगैरह भी आ जाएंगी। आपको वो रूम में एडजस्ट करने की ऐसी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इसी के साथ अटैच टॉयलेट भी आपको देखने को मिल जाता है और इसका साइज रहेगा 6 फुट 3 इंच बाय 6 फिट का। तो इसी के साथ दोस्तों हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ चलते हैं और ऊपर एंट्रेंस लेते ही आपको लाउंज एरिया देखने को मिल जाएगा। आप इसको सिट आउट एरिया भी बोल सकते हैं। इसका साइज 12 फिट बाय 11 फिट और 9 इंच का रहेगा। एक रूम जितना साइज आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। और इसके बाद हमारे हाउस के सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। एक हिसाब से देखें तो ये भी आपका एक मास्टर बेडरूम ही है क्योंकि आपको इस रूम के साथ एक अच्छे साइज की बालकनी भी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों इसी रूम के साथ आपको अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट भी देखने को मिलेगा जो कि आप इस वीडियो में आगे देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हाउस के थर्ड बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो आप देख लीजिए इस बेडरूम के आपको अंदर अच्छी सीलिंग देखने को मिल जाएंगी। आपको बैक वॉल पर वॉलपेपर इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा और इस बेडरूम का साइज रहेगा आपका 12 फिट 7.5 इंच बाय 11 फिट का। और इस रूम के साथ आपको अटैच बालकनी भी देखने को मिल जाएगी और इस बालकनी का साइज 12 फिट 6 इंच बाय 12 फिट और 4.5 इंच का रहेगा। और इसी रूम के साथ आपको अटैच ड्रेसिंग देखने को मिल जाता है और इस ड्रेसिंग का साइज 5 फिट 6 इंच बाय 5 फिट 7.5 इंच का रहेगा। आप देख सकते हैं आपकी जो वार्डरोब वगैरह है वो इसी के अंदर ही आ जाएंगी आपके बिना किसी दिक्कत के। इससे आगे बढ़ते हुए अगर आप सामने देखें तो आपको इसके साथ अटैच टॉयलेट भी देखने को मिल जाएगा और इसका साइज 5 फिट 6 इंच बाय 6 फिट का रहेगा। और आप देख सकते हैं आपको अच्छे यहाँ पर इंटीरियर्स भी देखने को मिल रहे हैं। आपके हाउस का हर एक बेडरूम आपका मास्टर बेडरूम रहेगा एक हिसाब से बोले तो। और इसके बाद आप स्टेयर ब्लॉक देख सकते हैं, हम इसको ममटी भी बोल सकते हैं। इसका साइज रहेगा 12 फिट बाय 11 फिट और 7.5 इंच का। जी हाँ, अच्छा स्पेस मिल जाता है। ऊपर एंट्रेंस करते ही आपको ओपन टेरेस देखने को मिल जाएगा। गार्डन बोल दिया था एक हिसाब से, ये आपका ये ना गार्डन ही है अगर आप देखें तो। अच्छा आपको यहाँ पर एक डिजाइन देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं आपको सिट आउट का स्पेस मिल जाता है। आपको यहाँ पर एक अच्छा ग्रीन एरिया देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अच्छे कॉन्टेंट आपको यही मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार एक और नई अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार।